किस स्टेज में हमारे कौन कौन सा वैक्सीन पहुंचा हुआ है, इसकी भी जानकारी सभी मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो इस मीटिंग में मौजूद है वीसी के द्वारा, वो भी दे सकते हैं और दूसरे नीति आयोग के जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी हम लोग बात किए थे, प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि सबको वैक्सीन एक साथ मिले, सबको कोई भी अछूता न रहे। तो कहीं ना कहीं सेकंड फेज का जो चर्चा होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी देश के लिए कोरोना से लड़ाई में। जी रविंद्र, और इससे पहले भी हमने पिछले 6-7 महीने में देखा है, लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुरुआत हुई थी 20 मार्च को, उसके बाद 2 अप्रैल, 11 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, 11 मई, 16 जून, 11 अगस्त, 3 सितंबर और 24 नवंबर को ये बैठकें हुई थी। और कैसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले गए तब से लेकर अब तक, हालांकि कई रणनीति बनाई गई अलग अलग राज्यों के हिसाब से, ये रणनीति बनाई गई, कुछ कारगर भी हुई, लेकिन जो थोड़ी बहुत लापरवाही हमने पिछले दिनों देखी और ये जो दूसरी वेव की बात की जा रही है, अब इससे कैसे निपटना है उसी को लेकर ये मंथन इस वक्त जारी है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपनी ओर से सुझाव दे रहे हैं, जैसे कि बता रहे थे रविंद्र की दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 जो बेड्स हैं, 1000 बेड्स की व्यवस्था की जाए, केंद्र सरकार की ओर से मदद भी मांगी गई है, रविंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। रविंद्र, अब ये 1000 बेड्स की जो बात रखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, इस पर कोई आश्वासन क्या दिया गया है? देखिए मेहमान साहब, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो पराली जला है उसके कारण से प्रदूषण बढ़ा है और इसके इस वजह से कोरोना मरीजों की भी संख्या बढ़ी है, और पराली से उन्होंने पीएम मोदी से दखल देने की मांग भी की है। और जहां तक उन्होंने ये भी कहा कि 10 नवंबर तक 8600 मामले दर्ज हुए थे जो एक पीक था, अब पीक से कम हो रहा है, यानी इस पर धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन आपने देखिए कि 1000 से ज्यादा आईसीयू बेड की जो मांग की है, आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही, चंद दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी जो मुलाकात हुई थी, अमित शाह ने बुलाया था बातचीत करने के लिए, उसमें वो भी इस तरह की बातें कही गई। तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जितने भी आईसीयू बेड उपलब्ध कराने का उसका आश्वासन भी दिया था और बेड उपलब्ध भी कराए गए थे। बात आईसीयू बेड की नहीं है, मरीज की संख्या बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है, डेथ की संख्या बढ़ रही है इसकी बात है। कंट्रोल करने का कई तरीका है, जैसे कई राज्यों ने किया है कि जिस तरह से यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में भीड़ बढ़ी, सरकार ने कुछ कोई सा कदम नहीं उठाया, इसके कारण से इस तरह से बढ़ते गया। और उसके बाद अब जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है कोरोना कारण से, तब 1000 से ज्यादा आईसीयू बेड की मांग की जा रही है। विजय का जो मंत्र है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये हाथ धोना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हम ये ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं दर्शकों को कि ये आप संकल्प ले लीजिए, ये मूल मंत्र है कोरोना से निपटने के लिए। सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है, कई कार्रवाइयां की जा रही हैं, कहीं कहीं जुर्माना लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए आप, कोरोना को हराएगा मिलकर हिंदुस्तान, जान भी जहान भी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथ धोना बहुत ही जरूरी। वैक्सीन तैयार, लेकिन कीजिए थोड़ा सा इंतजार, संयम रखिए। तो ये है मूल मंत्र कोरोना से निपटने का, कोरोना को हराने का, और मिलकर ही अगर हम ये लड़ेंगे लड़ाई तभी हम इसमें विजयी भी होंगे। और कोरोना वैक्सीन को लेकर तो हर दिन एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिल ही रही है, हमें मालूम है कि कोरोना की वैक्सीन का कितना बेसब्री से इंतजार है आपको। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन आ रही है वो कितनी कारगर होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन कोरोना को तो हरा दे लेकिन कोई और बीमारी दे जाए या उसका कोई साइड इफेक्ट जीवन भर आपको परेशान करे? इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते। कोरोना संक्रमण से परेशान है ये लोग, इस वक्त इनकी सबसे बड़ी जरूरत है कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन। लेकिन क्या वैक्सीन के आने से इन लोगों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इसे समझने के लिए आपको एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा को सुनना चाहिए। जितने पैरामीटर्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं उस हिसाब से जो सबसे ज्यादा सेफ वैक्सीन है उन चीज को ही रोल आउट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म हाँ जरूर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर पहले किसी दवाई को या वैक्सीन को इस्तेमाल किया गया है लेकिन अगर उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आते हैं तो उसको हटा दिया जाता है, उसको फिर आउट ऑफ मार्केट कर लेते हैं। तो ये कह पाना कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होंगे, इससे बहुत मुश्किल सवाल है।
ये बात ठीक है कि पूरे विश्व को इस वक्त कोरोना की वैक्सीन चाहिए, लेकिन 10 महीने में तैयार वैक्सीन पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे वैक्सीन लंबे समय तक बचाए रख सकेगी, अभी राहत देकर बाद में नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कैसे निपटेंगे, करीब 90% तक कामयाब वैक्सीन कितनी असरदार। इन सवालों का जवाब भले अभी ना हो, लेकिन इस वक्त सभी को कोरोना की वैक्सीन चाहिए।